हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल टर्म्स ऑफ स्कैम 1992 के इस वीडियो में अब हम डिस्कस करेंगे द मोनोपोली ऑफ सिटी बैंक ऑन द मनी मार्केट एंड रेडी फॉरवर्ड डील। उस वेब सीरीज का जो सबसे इंपॉर्टेंट एपिसोड है वो एपिसोड 3 है। उस एपिसोड 3 के अंदर यही बताया गया है कि भाई मनी मार्केट इंडिया का कैसा था, कितना उसका वॉल्यूम उस टाइम था लेट 80s और अर्ली 90s के अंदर, और उस मनी मार्केट के अंदर किसकी लीडिंग पोजीशन थी, कौन उसमें मोनोपोली क्रिएट किया हुआ था, और किस तरह से हर्षद मेहता स्टॉक मार्केट से मनी मार्केट की तरफ डाइवर्ट करता है और कैसी अपने पोजीशन उस मनी मार्केट के अंदर बनाता है। आपने देखा होगा कि भाई जब वो पोजीशन बनाना स्टार्ट करता है तो वो सबसे पहले सिटी बैंक के ट्रेजरी चीफ से मिलता है, केएस त्यागी से, और उसको मनी मार्केट में एज अ ब्रोकर काम करने के लिए ऑफर करता है। सो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है कि भाई मैं आपको बिजनेस नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी मेरे सेट ऑफ ब्रोकर्स हैं और मैं उनके साथ में काम कर रहा हूँ और हम यहाँ पर आउटसाइडर्स को चांस नहीं देते और मनी मार्केट में आउटसाइडर्स के लिए कोई जगह नहीं है। फाइन, आपने ये बात नोटिस की होगी कि भाई सबसे पहले वो सिटी बैंक के पास क्यों जाता है। देखिए, होता ये है कि भाई किसी भी मार्केट के अंदर, चाहे कोई भी मार्केट हो, वेदर वी टॉक अबाउट द मनी मार्केट और डेट्स मार्केट और शेयर मार्केट, या हमारा जो जनरल हमारे आसपास कोई भी प्रोडक्ट को बेचते हैं उन मार्केट्स के बारे में बात करें, तो हमने देखा होगा कि यहाँ पर दो टाइप के प्लेयर्स होते हैं। एक तो होते हैं बिग प्लेयर्स और एक होते हैं स्मॉल प्लेयर्स। अब ये जो बिग प्लेयर्स होते हैं, बिग प्लेयर्स का मतलब होता है जैसे जो बिग बिजनेसमैन होते हैं, और स्मॉल प्लेयर्स का मतलब होता है जो छोटे मोटे बिजनेसमैन होते हैं। अगर आप FMCG में देखें, किराना में देखें, किसी उसमें भी देखें, स्टील में देखें, तो ये बिग प्लेयर्स हैं, स्मॉल प्लेयर्स हैं। ये बिग प्लेयर्स इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इनके पास रिसोर्स एक्सेसिव होते हैं। रिसोर्स एक्सेसिव मीन्स बड़े प्लेयर्स हैं तो नेचुरली इनके पास स्टॉक ज़्यादा होगा, या हो सकता है ये मैन्युफैक्चरर ही हो, प्लस इनके पास वर्किंग कैपिटल ज़्यादा होती है, कैश ज़्यादा होता है। अल्टीमेटली इन शॉर्ट कहने का मीनिंग ये कि दे हैव एक्सेसिव रिसोर्सेस विद देम। और स्मॉल प्लेयर्स के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि इनके पास स्टॉक कम होगा, इनके पास वर्किंग कैपिटल कंपैरेटिवली कम होती है, और इनके पास कैश कम होती है। मींस इन शॉर्ट कहने का मीनिंग ये कि ये दे आर शॉर्ट विद रिसोर्सेस ऑलवेज। हर मार्केट के अंदर आपने ये बात नोट की होगी कि स्मॉल प्लेयर्स बहुत हद तक लार्ज और बिग प्लेयर्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, और आपने देखा होगा कि मार्केट में बिग प्लेयर्स हमेशा अपनी मोनोपोली क्रिएट करते हैं और मार्केट को अपने अकॉर्डिंग वो लोग चलाते हैं। अपने अकॉर्डिंग चलाते हैं मींस जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन होती है गवर्नमेंट की तरह से, वो भी बिग प्लेयर्स के अकॉर्डिंग होती है। आप बहुत सारे उसके अंदर वो होते हैं कि जो बिग प्लेयर्स होते हैं वो अपने अकॉर्डिंग मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं और सारी कोर्ट्स को भी अल्टीमेटली वो लोग मैनिपुलेट करते हैं। और ये जो स्मॉल प्लेयर्स हैं ये बहुत हद तक दे आर डिपेंडेंट ऑन द मर्सी ऑफ दीज बिग प्लेयर्स, वो पूरी तरह से इनके बिग प्लेयर्स के अकॉर्डिंगली ही काम करते हैं। इन द सेम वे उस वेब सीरीज के अंदर भी ये बताया गया है कि भाई किस जो मनी मार्केट था उस टाइम इंडिया का, उसके अंदर उस मनी मार्केट के अंदर दो तीन ही बिग प्लेयर्स थे, बाकी सारे स्मॉल प्लेयर्स थे। मींस बिग बैंक्स थे और बाकी सारे स्मॉल बैंक्स थे। बिग बैंक्स के अंदर सबसे ज़्यादा उसके अंदर नाम बताया गया सिटी बैंक का, है ना, एंड सिटी बैंक वॉज अ, और आई कैन से इट इज़ अ फॉरेन बैंक है। और इसी के अगेंस्ट वो बोलता है, एक शॉर्ट में बोलता भी है हर्षद मेहता कि भाई माना कि सिक्योरिटी मार्केट के अंदर जो है वो सिटी बैंक बादशाह है, लेकिन बैंकिंग का बादशाह तो आज भी SBI, तो SBI वॉज ऑल्सो अ बिग प्लेयर एट द टाइम। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये थी कि भाई हम उसके अंदर क्यों सिटी बैंक का मनी मार्केट के ऊपर होल्ड था, पूरी मोनोपोली क्यों थी, और उसी के ब्रोकर्स क्यों मार्केट को मैनिपुलेट करते थे। एक्चुअली क्या था, सिटी बैंक एक फॉरेन बैंक था और फॉरेन बैंक के पास फंडिंग बहुत ज़्यादा थी। ये बड़ा बैंक होने की वजह से इसके पास एक्सेसिव कैश फंडिंग बहुत ज़्यादा थी। उस वेब सीरीज के एक सीन के अंदर, एपिसोड 3 के अंदर ही, जब रिजर्व बैंक का गवर्नर अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ मीटिंग करता है, जब उसको ये BRs के और सिक्योरिटी डीलिंग्स के अंदर इरेगुलरिटीज मालूम पड़ती हैं, तो वो 4-5 बैंक्स के नाम बोलता है कि इंडियन बैंक, यूनाइटेड बैंक, इन 4-5 बैंक्स के अगेंस्ट क्या करो, एक इंक्वायरी फाइल करो और इनको ये इंस्ट्रक्शंस दो। तो उसका सबऑर्डिनेट पूछता, बोले सर सिटी बैंक का क्या, तो बोले नहीं, सिटी बैंक इज़ अ फॉरेन बैंक, हमारी इकोनॉमी लेट 80s की बात है उसमें, कि भाई हमारी इकोनॉमी जो है अभी भी रिकवर कर रही है और स्टेबलाइज नहीं है,
और वो बोलता है कि भाई अभी भी हम बहुत हद तक वी आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन द लोन अरेंज्ड बाय देम. अरेंज्ड बाय देम मीन्स सिटी बैंक्स ने जो लोन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे रखे हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आज भी बहुत हद तक डिपेंडेंट है. अब देखिए वो लोन जो थे, फिर हम वही बात आ रहे हैं कि बहुत सारा लोन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एट दैट टाइम सिटी बैंक से ले रखा था, क्योंकि सिटी बैंक एक फॉरेन बैंक था, उनके पास फंड्स की कोई कमी नहीं थी, तो वो गवर्नमेंट को लोन दिया करते थे. फिर वही बात, गवर्नमेंट लोन लेती है इन फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज बाय सेलिंग द सिक्योरिटीज टू द कमर्शियल बैंक्स. इसका मीनिंग ये था कि अगर सिटी बैंक ने गवर्नमेंट को लोन दिया था तो उसके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बहुत हाई थी. मीन्स एक रिसोर्स इनके पास बढ़ गया कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बहुत ज़्यादा हो गई, फाइन. दूसरा ये है कि भाई फॉरेन बैंक था तो इनके पास कैश की भी कोई कमी नहीं थी. मींस ये एक ऐसा बैंक था जिसके पास एक्सेसिव कैश था, जिसके पास एक्सेसिव सिक्योरिटीज थी. उसके अगेंस्ट बहुत सारे स्मॉल बैंक्स थे, बैंक ए, बैंक बी, बैंक सी, इस तरह के बैंक्स थे. अब ये जो स्मॉल बैंक्स थे, इन स्मॉल बैंक्स के पास एज कम्पेयर्ड टू द सिटी बैंक और SBI, इनके पास कम डिपॉजिट्स हुआ करते थे, कम सिक्योरिटीज होती थी, क्योंकि इसका NDTL भी ज़्यादा तो सिक्योरिटीज हाई, कैश भी ज़्यादा, इनका NDTL कम तो नेचुरली इनकी इनके पास कैश कम और सिक्योरिटीज कम, ठीक है, फाइन. तो अब हम अगर अब हो सकता है भाई इस बैंक को, लेट सपोज दे नीड सिक्योरिटी, इनको सिक्योरिटीज की रिक्वायरमेंट है, बी को कैश की रिक्वायरमेंट है, सी को भी सिक्योरिटीज की किसी की रिक्वायरमेंट है, तो मोनोपोली होने की वजह से. और देखिए हम ये भी पढ़ चुके हैं, ये भी बात हम डिस्कस कर चुके हैं कि भाई जो 80s का एरा था वो डिजिटल एरा नहीं था, वहाँ पर सारे काम मैनुअली हुआ करते थे और ये जो रेडी फॉरवर्ड डील्स हुआ करती थी ये उनके ब्रोकर्स करवाते थे और वो ब्रोकर्स उसके अगेंस्ट अपना कुछ ब्रोकरेज लेते थे उसमें. तो डिजिटल एरा नहीं था, इनको नहीं पता, इनको ये बात दूसरे बैंक्स किसके पास है ये नहीं जानते थे कि भाई कोई छोटे बैंक के पास एक्स्ट्रा सिक्योरिटीज हैं तो मैं उससे सिक्योरिटीज लेकर उसको कैश दे दूँ, या ये बैंक नहीं जानता था कि भाई इसके पास सिक्योरिटीज़ हैं, क्योंकि उस मार्केट के अंदर सिटी बैंक की मोनोपोली थी और सिटी बैंक के ब्रोकर्स ही थे, तो वो इन बैंक के बीच में डीलिंग नहीं करवाते थे. छोटे छोटे बैंक, सब हर बैंक इंडिविजुअली इसके ऊपर, सिटी बैंक के ऊपर डिपेंडेंट था. आपने एक सीन भी देखा होगा जब अर्षद मेहता ग्रिंडलेस के जो ट्रेजरी चीफ को बोलता है कि भाई आपने सब बैंक, छोटे छोटे बैंक इंडिविजुअली जाते हैं और जो क्या होता है सिटी बैंक से डील करते हैं, तो फिर वो अपने मनमाने कोर्ट लगाता है. हम सब मिल जाएं और मिलने के बाद में एक साथ में बिजनेस करेंगे तो एक अल्टरनेटिव दे सकेंगे सिटी बैंक का. तो इसका मीनिंग ये था कि सारे छोटे बैंक जो थे वो सिटी बैंक और उसके ब्रोकर्स के ऊपर डिपेंडेंट थे. इसको सिक्योरिटी चाहिए तो इनके पास एक्सेसिव सिक्योरिटी है, बहुत सारी सिक्योरिटीज थी तो ये इसकी सिक्योरिटी की नीड को पूरा करता था, ठीक है. इसको कैश चाहिए तो ये इसको सिक्योरिटी देकर इससे कैश की नीड को पूरा करते थे. मींस इसको सिक्योरिटी चाहिए, वो सिटी बैंक के पास जाए, ब्रोकर्स तो सिटी बैंक ही थे, वो सिटी बैंक से सिक्योरिटीज उसको हैंडल करवा देते. जिसको कैश चाहिए तो वो उस कैश उसको अरेंज करवा दिया करते थे. अब देखिए होता ये था कि भाई इस मोनोपोली की वजह से सिटी बैंक जो था वो मार्केट रेट से अलग कोट करता था. उसी में एक सीक्वेंस है, जब RBI सारे बैंक्स के लिए सिक्योरिटी डीलिंग्स को लेकर कुछ गाइडलाइंस इशू करती है तो एक बैंक का डायरेक्टर है वो बोलता है कि भाई हम आपसे अब रेडी फॉरवर्ड डील नहीं कर सकते. तो वो जो KS त्यागी होता है सिटी बैंक का, वो पूछता है भाई कि आप रेडी फॉरवर्ड डील क्यों नहीं करना चाहते, तो बोलता है कि RBI की बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस आई हैं और उन गाइडलाइंस में से एक सबसे लास्ट पड़ता है कि सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि RBI ने कहा है कि भाई जितनी भी रेडी फॉरवर्ड डील्स होंगी वो मार्केट रेट पर होंगी. और वो बोलता है कि भाई सिटी बैंक आप तो कभी मार्केट रेट के ऊपर डील करते ही नहीं हो, आपका कोर्ट तो हमेशा मार्केट रेट से हाई होता है. जैसे ये सिटी बैंक है और सिटी बैंक और ये बैंक ए है. अब बैंक ए को सिक्योरिटीज़ की रिक्वायरमेंट है तो सिटी बैंक ने इसको सिक्योरिटीज़ दे दी 10 करोड़ की, ठीक है, और इससे कैश ले लिया और 10 करोड़ का कैश ले लिया रीपर्चेस एग्रीमेंट के साथ में कि सिटी बैंक 15 दिन के बाद बैंक से सिक्योरिटीज़ को वापस परचेस कर लेगा. ये हमने पहले पढ़ा है रेडी फॉरवर्ड डील क्या होता है, उसके अंदर आप उसको देख लें. अब होता ये था कि भाई अगर मार्केट में रेट चल रहा है कि 15 डेज का ब्याज 0.2 मतलब 20 लाख रुपए है, तो हो सकता है कि जब सिटी बैंक बोले कि भाई 15 दिन बाद हम आपसे परचेस करेंगे तो वी विल पे ओनली 10.1 लाख. मीन्स आपको उसके बदले में 10 लाख रुपए का इंटरेस्ट दिया जाएगा जो मार्केट से कंपैरेटिवली कम है. मीन्स ये जो कोट किया जा रहा है मार्केट से कम किया जा रहा है. दूसरी बात, ब्रोकर्स एक्सक्लूसिव थे तो ब्रोकर्स भी अपना हाई रेट ऑफ ब्रोकरेज इनसे बैंक से चार्ज करते थे, ठीक है. तो यहाँ पर बैंक्स को नुकसान होता था कितने का, अब जैसे ये तो मैंने एक इमेजिनरी फिगर लिया कि भाई यहाँ पर बैंक्स को अल्टीमेटली लॉस होने लगा. दूसरे से डील करते तो 10.2 मिलता उनको, लेकिन यहाँ पर सिटी बैंक से डील कर रहे हैं तो वो सिर्फ आपको 10 लाख रुपए का ब्याज दे रहा है 15 दिन की सिक्योरिटीज़ के बदले. अगर हम मान लें कि दूसरा बैंक है और उस बैंक को
सिटी बैंक से कैश की रिक्वायरमेंट है, बैंक बी को सिक्योरिटीज दे रहा है, तो इसने इसको सिक्योरिटी सेल की लेट सपोज 10 करोड़ की और इसने इसको कैश दे दिया, कितने का 10 करोड़ का। अब इसने सिक्योरिटी परचेस, सिटी बैंक ने सिक्योरिटी परचेस कर दी अंडर द रीपर्चेस एग्रीमेंट, मींस 15 दिन के बाद सिटी बैंक बैंक बी को सिक्योरिटी सेल कर देगा। मार्केट रेट क्या चल रहा है 10.210 के अगेंस्ट 15 दिन का, तो हो सकता है ये 10.25 का रेट कोट करे, 0.5 मतलब कि एक्स्ट्रा 0.05% इससे ज़्यादा लेगा उसके अंदर। मार्केट में अगर ये बेचते तो 10.2 पर इनको मिलता और सिटी बैंक इनको 10.25 पर वो करेगा उसमें, तो अल्टीमेटली ये कोटा फिर से महंगा हो गया, प्लस उसमें जो ब्रोकर्स का जो ब्रोकरेज और कमीशन था वो अलग इंक्लूड होता था। तो अल्टीमेटली सिटी बैंक की मोनोपोली होने की वजह से वो सिटी बैंक अपने मनमाफिक कोर्ट जो था उस टाइम मार्केट के अंदर चलाया करता था। आपने एक सीक्वेंस अगर ध्यान दो कि जब हर्षद मेहता सिटी बैंक को अप्रोच करता है मनी मार्केट में पोजिशन लेने के लिए और बोलता है कि भाई आपको सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट होती है, आपके पास एक्सेसिव कैश होता है और इंस्टीट्यूशनल आपके पास पेमेंट्स होते हैं तो उसके लिए आपको सिक्योरिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, तो वी विल सप्लाई यू द सिक्योरिटीज़ और हम आपको मार्केट में सबसे कम ब्रोकरेज रेट ऑफर करते हैं। तो उसका जो ट्रेजरी चीफ खेमानी होता है वो यही बोलता है कि भाई हाँ हम मानते हैं इसमें कि भाई जितने भी हमारे जो फॉरेन बैंक्स हैं ये फॉरेन बैंक्स अपने ब्रोकर्स के साथ मिलकर हमें कई सालों से लूट रहे हैं, तो वो लूटने का एक्चुअली मतलब ये होता है कि भाई एक तरफ कहीं पर सस्ती डील देते हैं एक तरफ कहीं पर महंगी डील देते हैं, सस्ती डील जब उनका फायदा, मींस अल्टीमेटली सिटी बैंक अपने बेनिफिट के लिए सारे काम करता था, इवन वो एसबीआई को भी नहीं छोड़ रहा था क्योंकि एसबीआई के पास सिक्योरिटीज की कोई प्रॉपर सोर्स एक्चुअली नहीं था और उनको पूरी तरह से सिटी बैंक के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता था। तो वो यही बोलता है कि भाई ये बैंक्स हमारे कुछ सालों से हमें बहुत ज़्यादा लूट रहे हैं, इनके ब्रोकर जब चाहते हैं वो कोर्ट को मैनिपुलेट कर देते हैं, जैसा चाहते हैं कोर्ट को बढ़ा देते हैं कम कर देते हैं और अल्टीमेटली सफ़र किसको करना पड़ता है, वो इंडियन बैंक्स को सफ़र करना पड़ता है। तो वो बोलता है कि फिर अब ये हाई टाइम है कि हम हमारे घर को सुधारें और अब हमें आपके साथ अल्टीमेटली डील करना चाहिए। तो अल्टीमेटली कहने का मीनिंग ये है कि पूरे मनी मार्केट के ऊपर और पूरी रेडी फॉरवर्ड डील्स जो उस टाइम पर हुआ करती थी उसके ऊपर सिटी बैंक की मोनोपोली थी और इसी मोनोपोली का सिटी बैंक बेनिफिट उठाता था। वैसे भी देखिए मार्केट में कहीं पर भी किसी की मोनोपोली होगी तो उस मोनोपोली का वो बेनिफिट उठाएगा, अगर वो बेचेगा मार्केट के अंदर किसी चीज़ को तो महंगा बेचेगा एज कम्पेयर टू द अदर पीपल, और अगर वो मार्केट से कोई चीज़ खरीदेगा तो कंपैरेटिवली सस्ता खरीदेगा क्योंकि उसकी मार्केट में मोनोपोली है, लोगों के पास कहीं और जाने का अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं होता। तो किसी भी की भी अगर मोनोपोली मार्केट में क्रिएट होगी तो अगर आपसे खरीदा जाएगा तो सस्ता खरीदा जाएगा और अगर बेचा जाएगा तो महंगा बेचा जाएगा, वही सिटी बैंक के साथ में दिखाया गया है। और इसी सिटी बैंक के कार्टेल को फिर हर्षद मेहता अपनी स्टाइल से और कुछ अट्रैक्टिव ऑफर्स दे करके तोड़ता है, वो कैसे तोड़ता है वो अब हम अगले वीडियो के अंदर इसमें डिस्कस करेंगे।